खबर आज तक देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इलाका वीरका दे गुरु नगर द निवासी कुंवरदीप सिंह लिट्टू और समूह इलाका निवासियों के सहयोग नाल पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रगट दिवस के मौके पर 5 तो 27 नवंबर तक श्री अखंड पाठ साहब रखे गए सन, जिन्हों का भोग 27 नवंबर संपूर्ण होया, जिस उपरांत रागी जत्थियां वालों कीर्तन के दौरान आईयों हुई संगतां नूं निहाल किया गया अते नगर कीर्तन का स्वागत किया गया ते लंगर भंडारा सारा दिन चलता रहा। इस मौके कुंवरदीप सिंह लिट्टू ने प्रोग्राम के बारे जानकारी दी। अमृतसर खबर आज तक तो मधु राजपूत की विशेष रिपोर्ट। गली नंबर 2 ते हाउस है सरदार हरी सिंह का पोतरा कुंवरदीप सिंह लिट्टू वीरका, जो कि अज पहली पातशाही जी का जन्म दिहाड़ा, उन्होंने संबंध में 25 तरीक तो लैके 27 तरीक तक श्री अखंड पाठ साहब आरंभ कराए सी। अज उन्होंने भोग पै रहे ने और गुरु नगर वादी का बहुत ज़्यादा संजोग मिलिया। पहले श्री अखंड पाठ साहब थी, मैं निवेदन करता गुरु नगर वादी का और सारी साध संगत जी का इस तरह ही संजोग देंदे रहो ते आपा धार्मिक काम करवाते रहिए, जो कि साड़ी पंजाब दी नौजवान पीढ़ी नशियां ते रुलंदी आ। जवान मापे जवान पुत मापिया के पूरे हो रहे नशिया के वजह कारण उन्होंने आप सुरक्षा की है भी धार्मिक कामों के नाल जुड़ो, जो कि धार्मिक काम होंदे रहन पंजाब के अंदर तो पंजाब का सुधार हो सकता। जेकर पंजाब के अंदर धार्मिक काम ना हो जा धार्मिक काम घट हो, पंजाब के नौजवान नशिया के रुल जाएंगे तो मापिया के पुत पूरे होंगे रहेंगे, क्योंकि नशा पंजाब के अंदर बहुत बढ़ चुका तो राजनीतियां बहुत गंदिया हो चुकी ने पंजाब दिया। मैं यो कहना कि इस पंजाब नू धार्मिक कामों के नाल जोड़िया जाए तो धार्मिक काम होंदे रहन। मैं गुरु नगर वादी का निवेदन करता हाँ, मेरा इस तरह ही साथ देंदे रहो, क्यों मैं कला कख नहीं कर जोगा, मैं ताडे संजोग दे नाल ही मैं हर काम धार्मिक करता आया तो करता रहूँगा जब तक मेरे शरीर के अंदर श्वास चलते ने, मैं तद तक इमानदारी दे नाल धार्मिक काम करता रहूँगा। अज सवेर तो की प्रोग्राम करवाया गया, अज सवेर तो की प्रोग्राम करवाया गया? अज सवेर तो श्री अखंड पाठ साहब के 25 तरीक दे रखे श्री अखंड पाठ साहब अज उन्होंने समाप्ति भोग पाए जा रहे ने, लंगर अटुट वरताया जाएगा संगत नूं भोग तो बाद लंगर वास्ते जिहड़ियां मेरियां मावां मेरियां भैणां मेरे बजुर्ग अंकल जी लगे हुए ने लंगर की सेवा वास्ते, उन्हों का भी धन्यवाद करदा। हर साल इस तरह ही मेरा साथ देते रहो तो मैं धार्मिक काम के नाल जुड़िया रहा, क्यों मैं कला कख नहीं कर जोगा, मैं
मैं गुरु नगर वादी दे नाल जुड़ के धर्म काम करता आया करता रहूँगा जब तक मेरे शरीर के अंदर श्वास चलते ने मैं उस उन्ना चिर तक धार्मिक काम करूँगा इमानदारी दे नाल। इस बारे जिन्ना जिन्ना ने साथ दिता नाम बोल दियो नाम बोल दियो जिन्ना जिन्ना ने मेरे धार्मिक कामों के नाल बहुत काफ़ी जनिया ने साथ दिता तो मैं धार्मिक काम इन्ने क चंगे लगते हैं इमानदारी दे नाल कोई हेराफेरी नहीं कोई बेईमानी नहीं इमानदारी दे नाल इलाके का संजोग लैके ना बोल दियो इलाका निवासियों का गली गुआंढ का मोहल्ले वासियों का संजोग दे नाल ये मैं धार्मिक काम करता आया उन्होंने नाल उन्होंने नाम दविंदर सिंह लाडी भाजी दविंदर भाजी और धर्मिंदर शर्मा बहुत काफ़ी बंदे ने मेरे नाल जुड़े हुए मेरे घर के बैकसाइड मेरे एक अंकल जी ने जिन्हों की रेत बजरी की दुकान भी है दीपू भाई साढ़े बहुत अच्छे आसान भी ने मैं इन्हों धन्यवाद करता हाँ क्योंकि मैं धार्मिक काम का इस तरह मौका देंदे रहो तो मैं करता रहा क्यों अकेले टाइम जीवन सफल होंदा ही तां वा जे धार्मिक काम करांगे इमानदारी दे नाल किसी का बुरा नहीं सोचांगे कोई धार्मिक काम नूं सियासत दे विच नाल लियावांगे तो उस तरह ही धार्मिक काम अच्छे होंदे ने पंजाब वासियां नूं नौजवान पीढ़ी नूं निवेदन करदा हाँ कि माड़े काम छड्ड के माड़ियां राजनीतियां तो दूर हो गए धार्मिक काम करने शुरू कर दो जे पंजाब का सुधार वेखना नहीं तो मापे बगाने पुत्तां दे मापे रोलदे वेख वेखने पैणगे क्यों नशे दे विच पंजाब रोल रहा नशे दे विच पंजाब तबाह हो रहा राजनीतियां साडियां गंदियां राजनीतियां धार्मिक काम है की चीज़ रब किथे आ रब इस धरती दे उत्ते आ पर उन्हों अजमाना पैंदा रब आप तुहाडे कोल चल के नहीं आता रब नूं ध्योना पैंदा फिर रब मिलता मैं इहो कहिंदा होया आजादत मानदा पंजाब कोलों भी आपां धार्मिक कामां दे नाल जुड़ीए ते नशियां तों दूर होइए तो नशे तो मुक्त पंजाब बनाइए।